रही है। आई अब दो दिन से मेरे चाची को वीनू वीनू बुला रही थी, और फिर इसके साथ बात भी कर ले जाए। नहीं समझी, अरे मैं आपके डैडी को वीनू वीनू क्यों कहूंगी? हाँ वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन आप ऐसा ही कर ली थी। अब मेरे डैडी को वीनू वीनू बुला रही थी और फिर आप उसको लेके सो गए। ऐसा सब किया? और आपने वीनू डाटा के लिए अलग से टिफिन भी रखा था। तो आप मुझे कह रहे थे सभी अपना ही टिफिन खाना, वीनू डाटा का टिफिन मत खा लेना। आपको याद आया? आप तो सिर्फ इससे ही बात कर लेते, आप तो मुझे भूल ही गए थे। आपको पता है लगभग मुझे कितनी भूख लगी थी, मेरे पेट पे चूहे डाल रहे थे, लेकिन हमने मुझे खुद के खाने के लिए नहीं दिया। सभी बड़ा आपको भूख लग रही थी तो हमने मौसी को खाना खाना देने के लिए क्यों नहीं बोला? आते तो यहाँ थे ही नहीं, इसमें और आप भी थे। मेरा बच्चा भूखा था, भूख लग रही थी आपको, मैंने आपको कुछ खाने के लिए नहीं दिया। कोई नहीं था आई, तो मैंने सोचा मैं खुद ही खाना बना लेती हूँ। मैं किचन में गई, मैं स्टूल पे चली और फिर मैंने खाना बनाने के लिए गैस ऑन किया और फिर मैं लाइटर ढूंढने लगी। मुझे तो लाइटर मिल ही नहीं रहा था। क्या सुन गया आपने? क्या सुन गया? बड़ा आपको कुछ हो जाता तो देवा, मेरी बेटी को कुछ हो जाता तो लेकिन आप जब भी रोते हो मुझे हर्ट फील होता है। मैं नहीं रोऊंगी, लेकिन मैडम आप मुझे प्रॉमिस करो कि अगर आप कभी भी घर में अकेले होगे तो गैस ऑन नहीं करोगे। तुम जो दिया है पापा ने तो मुझे ये पहले ही समझा दिया था। नहीं थे ना आए तो पापा ने मेरा ख्याल रखा, उन्होंने मुझे खाना बना के खिलाया। पापा कितने अच्छे हैं ना आई, और पता है पापा ने आपका भी बहुत ख्याल रखा है। पिछले कुछ दिनों से मेरे दिल और दिमाग के बीच जंग छिड़ी हुई है। मैं अपनी वाइफ पाखी से प्यार नहीं करता हूँ फादर। मेरी एक्स वाइफ सही, जिससे मैं अभी भी प्यार करता हूँ,